हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे, एक्चुअली ये वीडियो एज अ रिमाइंडर वीडियो है फॉर दिस बी टेक एंड बी डिज़ाइन स्टूडेंट्स ऑन अ नॉर्थ ईस्ट कोटा हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग ऑन 15th एंड 16th। सो आई फील कि आई शुड रिवाइंड सर्टन थिंग्स, तो इसीलिए दिस वीडियो नॉट गोइंग टू बी सो लॉन्ग। ठीक है, तो जनरली उनको ही फोकस है इस वीडियो में, तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोज हु आर स्टिल हैव कन्फ्यूजन कि आए ना आए, तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार आ जाओ, बिकॉज समटाइम्स मेनी फैक्टर्स वर्क्स। बिकॉज ये हो सकता कि जो इनिशियल रैंक वाले थे अराउंड 20 तक, तो बहुत सारे ने तो NIT में एडमिशन ले चुके होंगे, जो सा ये सब चल रहा है ना, तो चांसेस है आपका, तो ये मत सोचना। उसके बाद जिसका भी 15 या 16 को है काउंसलिंग, तो वन थिंग इज़ दैट कि बीटेक वाले अपना एक दो ऑप्शंस क्लियर रखना, हमेशा दो रखोगे। ठीक है, जिसको श्योरिटी कि आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा वो ठीक है, बट जिसको थोड़ा कन्फ्यूजन कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, बिकॉज आपने यहाँ पे सारे प्रोग्राम में सीट देख चुके हो, राइट? और इस सीट में भी फर्दर डिवीज़न होगा हर एक सीट में, तो दो ऑप्शंस दिमाग में रखोगे। ये नहीं कि कुछ भी मिले, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको ये सोचना है आपको करियर बनाना किस में कल के दिन पे जाके, राइट? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ है आप सिलेबस देखना, उसके बाद आपको प्लेसमेंट स्टेटस ओवर 5 ईयर्स इम्पॉर्टेंट है, एंड अभी इंडस्ट्रियल नीड कहाँ पे, एंड आपको क्या कौन सा डिपार्टमेंट में लेना है। यू वॉन्टेड टू बी कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, फूड इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसी इंजीनियर, तो आपको बनना क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से थोड़ा सा ऑप्शंस रखोगे, एंड आपको मेरिट देखना है, आपको रैंक क्या है। तो होप ये चीज़ तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड चीज़, हाँ ये जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले, तो आपको प्लीज़ टाइम पे रीच कर हो जाना। तो वेन्यू है KVR ऑडिटोरियम, तो आपका अटेंडेंस का टाइमिंग 9 to 10 दे चुके हैं मॉर्निंग को। ठीक है, आफ्टरनून वाले तो पहुंच जाएंगे आई नो, बट मॉर्निंग वाले को हो सकता है कि जो बहुत दूर से आ रहे हो इवन इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो प्लीज़ ट्राई टू रीच इन द वेन्यू, बिकॉज ये ऑलरेडी स्ट्रिक्टली बोल दे चुके हैं। सो जो बहुत दूर से आ रहे, जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले आ जाओ, राइट? एंड यू कैन स्टे इन तेजपुर, यदि आपके रिलेटिव्स है तो वहाँ पे रह सकते, तेजपुर में वन डे यू कैन स्टे विथ योर पेरेंट्स। ठीक है, तो आप देख लेना, मेक श्योर कि रीच द वेन्यू ऑन टाइम। सो देर इज़ अ टू वे, जब आप आओगे एक पोरवा चारेली से जब आओगे, सो यू गेट ऑटो या टमटम वहाँ पे दिखेगा। सो पर हेड इट विल गोइंग टू टेक 30 रुपीज़, हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम पे 40 रुपीज़ ले, तो उसी हिसाब से डोंट पे मच बक्स टू देम। ठीक है, एंड नो यू डोंट हैव टू बुक द ऑटो एंड ऑल, ऐसा नहीं है, जब इमरजेंसी हुआ, नहीं तो नॉर्मल भाड़े भी आ जाना। फिर देखे सेम थिंग यहाँ पे डोलाबारी भी सेम है, मैक्स शायद 30 लेंगे या 20 रुपीज़ लेंगे। तो वहाँ पे यदि आप इस वाले रूट से, यहाँ पे डोलाबारी पड़ता है, तो उससे भी आपको यूनिवर्सिटी पहुँचा देंगे, गेट तक तो आपको पहुँचा देंगे। गेट से इट्स जस्ट अ 500 वॉकिंग डिस्टेंस है KVR। आप आने के बाद आप सिक्योरिटी आपको हर जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी को भी पूछ सकते हो कि KVR, अदरवाइज यू कैन सी द गूगल मैप, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट रीच द वेन्यू ऑन टाइम। उसके बाद रिगार्डिंग द फी, तो आपको यहाँ पे फी ऑलरेडी यहाँ पे बता दे चुके हैं विथ हॉस्टल, होप आप सब हॉस्टल से ही ले रहे हो, राइट? एंड यहाँ पे तो यहाँ पे विथ हॉस्टल्स अमाउंट आपको दे चुके हैं यहाँ पे, एंड मेक श्योर दिस अमाउंट प्लस एडिशनल अमाउंट आपके जो भी आप क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड या UPI यूज़ करने उस बैंक में हो, कि कुछ ट्रांजेक्शन टैक्सेस करता है, राइट? ये तो आपको पता होगा। पेमेंट मेथड ऑलरेडी यहाँ पे बता दे चुके हैं, डेबिट कार्ड एंड UPI क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर, UPI नेटवर्क का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, ये मैंने पहले बोल चुकी हूँ, बिकॉज KVR में जनरली नेटवर्क बहुत वीक है, जियो का तो आता ही नहीं। हम जितना बार हम वहाँ पे जितना अटेंड करते हैं प्रोग्राम्स, तो कभी जियो का होता नहीं। तो प्लीज़ डेबिट कार्ड लेके आना, ठीक है, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए।
तो ये हो गया रिगार्डिंग पेमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे पहले तो सारे ओरिजिनल्स तो चाहिए ही चाहिए आपको, जितना भी ये डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है। तो मैंने हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके। उसके बाद जेरोक्स कॉपी भी लेके आना है, जेरोक्स और सेल्फ अटेस्टिंग। जेरोक्स करोगे, उसके बाद जो नीचे साइन करना है, ऐसा नहीं कि कहीं मिडल पे साइन कर दो, नहीं, जो नीचे थोड़ा सा स्पेस बचा वहाँ पे आप साइन करोगे, डेट दोगे, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। पहले सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलता था, बट अभी सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, ठीक है। तो जेरोक्स एटलीस्ट टू, टू मिनिमम तो टू करके लेके आओगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो जेरोक्स करने में तो उतना इट डजन गोइंग टू टेक मच अमाउंट, राइट। एक मत करके लेके आना, एक ख़राब हो गया तो आप कैसे आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, कहीं मूड फोल्ड वोल्ड हो गया एंड ऑल। बेटर टू कॉपीज, एवरी थिंग का टू कॉपीज़ लेके आओगे। उसके बाद हाँ, टू कॉपीज़ होने के बाद डॉक्यूमेंट्स हो गया, जेरोक्स का टू कॉपीज़ हो गया। उसके बाद हाँ, यदि आपके पास अभी तक माइग्रेशन वगैरह नहीं है तो डोंट वरी, आपको टाइम दिया जाएगा एडमिशन के बाद भी विद इन 3 मंथ्स का, कि उस टाइम पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। जिसने जिसने माइग्रेशन अलाउड है और कुछ कुछ चीज़, हाँ पास सर्टिफिकेट भी यदि आपको अभी तक नहीं मिला 12th का, तो डोंट वरी, आपको टाइम दिया जाएगा। एंड बाकी तो आपको एक कैटेगरी तो लेके आना, कैटेगरी में एग्जेम्प्टेड नहीं है, बिकॉज यदि आपको उस कैटेगरी से आपको मिल रहा है तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल में दिखाना ही पड़ेगा, एंड कुछ कुछ तो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर टू ब्रिंग दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेरोक्स कॉपी, एटलीस्ट टू, मिनिमम टू लेके आओगे, ठीक है। आपको जेरोक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। इफ़ बाई चांस आप भूल गए, हो सकता अभी भी रिमाइंडर मेल देने, सॉरी वीडियो बनाने के बाद कुछ भूल गए, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ पे आओगे विद इन द यूनिवर्सिटी, जेरोक्स का फैसिलिटीज़ है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करके एक जगह होगा, ठीक है। आप किसी को पूछोगे, बोल देगा शॉपिंग जहाँ कहाँ जेरोक्स कराना, तो 10 बजे के बाद दुकान खोलता है, वहाँ पे आप जाके जेरोक्स करा सकते हो। आपके गार्जियन साइड पर, गार्जियंस को भेज देना, आप काउंसलिंग पे रहोगे, ठीक है। काउंसलिंग पे रहना जरूरी, नाम सुनना ज़रूरी है, आपका नाम अनाउंस होगा तब जाके आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। या गेट के बाहर भी जेरोक्स का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जैसे आपको चाहिए होगा स्टेपलर, यू हैव टू पिन योर ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, राइट, टू पेस्ट योर फोटोग्राफ, फेविकॉल, तो ये चीज़ भूलना नहीं। एंड पेन तो चाहिए, साइन करना है ना आपको, ये सब चीज़, तो हाँ ये सब चीज़ है। उसके बाद बाकी तो यू गाइज नो बेटर, राइट। ओनली थिंग इज़ दैट मेक श्योर ट्राई टू रीच द वेन्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसमें जैसे PRC, PRC में एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे, PRC आपको चाहिए चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। बाकी चीज़ में अच्छा, बाकी चीज़ तो जो जो है वो ठीक है, जैसे माइग्रेशन नहीं होने से अभी ठीक है, माइग्रेशन आप बाद में दोगे, लेकिन बाकी चीज़ के लिए तो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेरोक्स कॉपी। तो बाकी यदि अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप DM कर लेना हमको इंस्टा पे, विल ट्राई टू हेल्प। एंड सो होप आपको मैक्स लोगों को सीट मिल जाए, एंड जिसको भी सीट मिलाई थी, आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो 15th वाले को एक बार ना आप कमेंट कर देना, बिकॉज थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा 16th वाले को, राइट। उस डिपार्टमेंट में किसी बच्चे ने सोचा CSE, तो उसको आइडिया नहीं होगा CSE में कितना सीट फील हो गया, तो जस्ट फॉर कि हाँ प्लीज़ एटलीस्ट, क्योंकि आपके एक कमेंट बहुत सारे को हेल्प करेगा, राइट। वो जो उसका 16 है तो सोचता रहेगा ना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक उसको आइडिया हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट वंस यू गेट द सीट, वंस यू गेट द एडमिशन ओवर हियर, एंड ऑल द बेस्ट एवरी वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना, एंड कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज है इंस्टा पे DM कर सकते हो इन आवर ऑफिशियल एडियोटिक चैनल। सो या थैंक यू।